नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 और उसके गद्य खंड का 5वां अध्याय चपला देवी। अब चपला देवी उनके द्वारा लिखा गया जो रचना है ना, हमारे जो पाठ्यक्रम में है जो हम पढ़ेंगे, तो वह नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो कौन है ये मैना देवी, है ना, तो किस प्रकार से उनको भस्म कर दिया गया, तो ये हम पढ़ेंगे हमारे इस चपला देवी द्वारा जो चित्र रचना है उसके अंतर्गत। तो सबसे पहले जो चपला देवी हैं कौन थी, तो उनका किस प्रकार का योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में, हिंदी में, तो उसका संक्षिप्त जो परिचय है वो जान लेते हैं कि द्विवेदी युग की लेखिका, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, वो द्विवेदी युग कहा गया है, तो द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। अब ना ही तो इनका व्यक्तित्व और ना ही कृतित्व, यानी कि उनको उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इस बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। अब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पुरुष लेखक हैं ना, उनके साथ साथ जो अनेक महिलाओं ने भी अपने जो लेखन से आज़ादी के आंदोलन में को गति दी थी, उनमें से एक नाम लेखिका चंपा देवी का भी है, यानी कि उनमें से एक लेखिका चंपा देवी भी रही हैं जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के अंदर भाग लिया अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। अब लेखक कहते हैं कि कई जो रचनाकार हैं वो इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, उनका नाम जो है दर्ज नहीं होता, उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनका जो कृतित्व है वो पता नहीं लगता, तो उन्हीं में से एक नाम चपला देवी का भी है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दूदूपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। अब देखिए, जो 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता जो थे दूदूपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना देवी, जो मैना है ना, वो आज़ादी की छोटी सिपाही थी, नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। अब ऐसी ही एक घटना जो है जैसलमेर की भी है, जिसमें सागरमल गोपा को भी जलाकर मार दिया जाता है, तो उसी प्रकार से ही यहाँ भी एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसमें नाना दूदूपंत साहब हैं, उनकी पुत्री जो बालिका मैना है, आज़ादी की नन्ही सिपाही थी और उसको अंग्रेज़ों द्वारा जलाकर मार डाला गया। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। अब बालिका मैना जो है, अब दूदूपंत नाना साहब है ना, उनकी पुत्री थी ये बालिका मैना, तो उनका बलिदान जो है, तो उस बलिदान की कहानी को चपला देवी ने अपने गद्य की रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य या रचना शैली, जिस रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्टाज मतलब एक प्रतिवेदन, किस प्रकार से उसमें जो घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है, कालखंड का वर्णन किया गया है, तो रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप अपने कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे इसमें अध्याय संकलित किया गया है तो उसका मूल भाव क्या है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। अब इसमें जो चपला देवी जी हैं वो कहती हैं कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्तृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। अब देखिए, युवा पीढ़ी के अंदर एक गौरवशाली परंपरा जो है वो जागृत करने के लिए, और जो कि भूल चुकी है आज की जो युवा पीढ़ी है कि किस प्रकार से मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए, उसकी रक्षा के लिए, किस प्रकार से जो क्रांतिकारी जो वीर हुए हैं, जो वीरांगनाएं हुई हैं, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और जिसके कारण से आज हम उनके द्वारा जो किए गए बलिदान के फलस्वरूप ही स्वाधीनता
का ये जो आनंद हम ले रहे हैं, स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, वे उन्हीं के बलिदान का ही परिणाम है। तो ऐसी जो बातें हैं वो आज की जो युवा पीढ़ी है वो भूल चुकी है। उसी से परिचय करवाने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब हिंदी गद्य का जो प्रारंभिक रूप था कैसा था, तो उसी प्रकार से ही ये लिखा गया है। तो इसमें मुद्रण में यानी कि छपाई करने में और वर्तनी में, यानी कि अगर कोई वर्तनी है, शब्द जो है उनमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर या परिवर्तन नहीं किया गया, उनको परिष्कृत नहीं किया गया, बल्कि जैसा था वैसा का वैसा ही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसमें चपला देवी जी द्वारा लिखी गई रचना है, नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता दूदू पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। अब देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई है ना, तो जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो नाना दूदू पंत जो हैं वे सहयोगी रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के। तो नाना के साथ ही वो पली बड़ी थी झांसी की रानी भी। तो जब 1857 का विद्रोही जो नेता दूदू पंत साहब है कानपुर में असफल हो गए, अंग्रेज़ों द्वारा इनके आंदोलन को दबा दिया गया, तो ये जल्दबाजी में वहाँ से निकलते हैं, लेकिन ये अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। अब देखिए, जो देवी मैना है ना, वो बिठूर में पिता के महल में रहती थी, अब उनका कोई सरोकार नहीं था, पर विद्रोह दमन करने के बाद, अब विद्रोह को दबाने के बाद में अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह कहा गया है कि जिसका कोई सहारा नहीं है और निरअपराध, जिसका कोई अपराध नहीं था, ऐसी देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। अब पाषाण हृदय जो अपने आप को कहते हैं कि कठोर हृदय का है, जो किसी प्रकार की परिस्थिति में विचलित नहीं होता, तो ऐसे हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, ऐसा रोमांचकारी वर्णन है ये जो उनकी देवी मैना जो है उनको भस्म करने की जो घटना है उसका वर्णन। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। अब देखिए, कानपुर में जो भीषण हत्याकांड करने के बाद में अंग्रेजों का सैनिक जो दल है वो बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। अब बिठूर, क्योंकि नाना साहब वहाँ से हार के चले गए हैं कानपुर से, तो नाना साहब का जो राजमहल था वो लूट लिया गया, और उसमें थोड़ी बहुत जो संपत्ति बची थी वही अंग्रेजों के हाथ लगी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। अब उन्होंने निश्चय किया कि जो नाना साहब का महल है उसको तोपों से तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। अब देखिए किस प्रकार का वर्णन इसमें लेखिका कर रही है, कि जब सैनिकों ने जब तोप वहाँ तोपें लगा दी महल को नष्ट करने के लिए, भस्म करने के लिए, तब एक अत्यंत ही सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई थी बरामदे में महल के। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। अब अंग्रेज अफसर को जो है एक आश्चर्य हुआ कि जब महल को लूटा जा रहा था तो वह बालिका कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, लेकिन अब यह बालिका जब पूरे महल को लूट लिया गया है, बिल्कुल खाली कर दिया गया, तो यह बालिका कहाँ से आ गई है। तो उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेजी सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। अब वह जो बालिका थी, बालिका इनकी मैना है, ये नाना साहब की पुत्री है, तो उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेजी सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पव्यस्त देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। अब करुणा से भरा हुआ और अल्पव्यस्त मतलब छोटी आयु, वह कहते हैं आयु को कि अल्प आयु है, ये छोटी उम्र है,
ऐसा देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हैं। अब देखिए सेनापति को दया आ गई है, अंग्रेज सेनापति है, तो उसने उससे पूछा, मैना से पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। अब देखिए बालिका जो है वह भी पढ़ी लिखी थी, तो शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया है, कृपया आप क्या आप कृपया इस महल की रक्षा करेंगे। अब देखिए क्या वो कह सकती थी, लेकिन फिर भी उसने धैर्य रखते हुए, बालिका ने, जो तोड़ने वाले थे सेनापति, तो उन्हीं से आग्रह कर दिया कि क्या आप कृपया आप इस महल की रक्षा करेंगे। अब देखिए जो तोड़ने वाला जो भक्षक है उसको ही रक्षक बनाने का प्रयास कर रही है वो, तो सेनापति कहता है क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। अब देखिए आपस में बातचीत हो रही है, तो कहते हैं कि तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है, तुम किस कारण से ऐसा कह रही हो कि इस महल की मैं रक्षा करूं। तो बालिका कह रही है आप ही बताइए कि यह मकान गिराने से आपका में आपका क्या उद्देश्य है, कि आप किस उद्देश्य से इस मकान को गिरा रही हैं, क्या इस मकान को गिरा देने से जो स्वाधीनता आंदोलन में लगे हुए जो क्रांतिकारी हैं, जो विद्रोही हैं, तो क्या वे अपने कार्यों से विमुख हो जाएंगे। तो ऐसे भाव में उसने कहा बालिका ने कि अगर आप ये मकान गिरा देंगे तो आपका क्या उद्देश्य है। तो सेनापति देखिए क्या उत्तर दे रहा है इसका, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। अब सेनापति कहते हैं कि यह जो मकान है वो विद्रोहियों का, अंग्रेज शासन के प्रति विद्रोह करने वाले जो नेता है ना, उनके नेता नाना साहब का वास स्थान है, निवास स्थान है, तो सरकार इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दे रही है, सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है। फिर बालिका सेनापति से कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। अब बालिका देखिए किस प्रकार से प्रत्युत्तर कर रही है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, कि आपके खिलाफ जिन्होंने शस्त्र हथियार उठाए ना वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है, कि ये तो स्थिर है तो इसने आपका क्या अपराध कर दिया। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। अब वो बालिका कहती है कि मेरा उद्देश्य ये है कि सिर्फ मैं इस स्थान से बहुत प्रेम करती हूँ, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो है इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। अब देखिए सेनापति भी जो उस बालिका की बातों से द्रवीभूत हो जाता है और वो कहता है कि मुझे खेद है, दुख है, लेकिन कर्तव्य के वशीभूत होकर मुझे यह मकान गिराना ही होगा, मुझे भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही होगा, जो मुझे आज्ञा दी गई है ना तो उसको पूरा करना ही होगा और यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। अब देखिए वो बालिका जानती है कि सामने जो सेनापति है वो कौन है, किस पद पर है, तो कहती है कि मैं आप अपना परिचय बताते हुए बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरे में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। और देखिए सहेलियाँ थी ये दोनों। अब जो जनरल हे है ना उसकी पुत्री जो है मैरी, तो उसके अंदर बीच में काफ़ी संबंध था, सहेलियाँ थी ये। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। अब इसमें जो मैंने ना वो कहती है कि आपकी जो पुत्री है मैरी वो मेरे पास में आती रहती थी और मुझे हृदय से चाहती थी, अर्थात बहुत चाहती थी वो मुझे। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। अब देखिए सेनापति भी अपने कर्तव्य बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन जो नाना साहब की पुत्री भी है मैना, वो उनको याद करवाती है कि आपकी जो पुत्री है वो मेरी सहेली है और आप भी बार बार हमारे कई बार यहाँ पे आए हैं और अपनी पुत्री के समान ही मुझसे प्रेम करते थे, प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गई हैं। अब इसमें मैना कहती कि मुझे लगता है कि आप ये सब बातें भूल गई हैं कि किस प्रकार से आप हमारे घर आते थे और अपनी पुत्री के समान ही मुझे भी प्रेम करते थे, लगता है कि वो बातें सब आप भूल गई हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। अब देखिए किस प्रकार से सेनापति का जो हृदय है
जो करुणा है उसको जागृत करने में जो मैना है वो प्रयास कर रही है, वो कहते हैं कि मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। अर्थात जो जनरल हे की पुत्री थी मैरी, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो कह रही है कि मैं उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हूँ और उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अभी तक भी है। यह सुनकर सेनापति की होश उड़ गई। होश उड़ गए मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी चिट्ठी इसके पास में कैसे आ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। अब देखिए, जो सेनापति था वो अच्छे प्रकार से नाना साहब से परिचित था और उसकी कन्या से भी अच्छी तरह परिचित था, तो बाद में वो पहचान लेता है कि यह बालिका जो है वो नाना साहब की पुत्री है और उसका नाम मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। और सेनापति कहता है, सेनापति जो है ना जो जनरल हैं वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम मेरी पुत्री जो मैरी की सहचरी हो, सहचरी मतलब सखा हो, मित्र हो, फ्रेंड हो उसकी, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। और देखिए, कर्तव्य के जो वशीभूत होकर वो जनरल जो है वो कह रहे हैं कि ये सब बातें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सरकार का नौकर हूँ और जिस सरकार का नौकर हूँ तो उसकी आज्ञा को नहीं डाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। अब वो कहते हैं कि मैं प्रयत्न करूँगा, निश्चिंत नहीं कर सकता तुम्हें कि मैं हाँ वास्तव में तुम्हारी रक्षा ही करूँगा, बल्कि वो प्रयत्न करूँगा मैं। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा। अब उसी समय जो है प्रधान सेनापति जो जनरल आउटरम है वहाँ पहुँचते हैं और बिगड़ कर सेनापति हे से कहते हैं, नाना का महल अभी तक तोपों से क्यों नहीं उड़ाया गया। अब देखिए, जो जनरल आउटरम है ना काफ़ी निर्दयी है, तो वो बिगड़ कर सेनापति हे से कहता है कि नाना साहब का महल अभी तोपों से उड़ाया क्यों नहीं है। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। अब देखिए, सेनापति हे जो है वो भी मैना की बातों से प्रभावित हो गए हैं और वे जनरल आउटरम से निवेदन करते हैं, विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि मैं इसी फिक्र में हूँ, इसी चिंता में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। अब ये नाना साहब के महल को क्यों बचाना चाहते हैं, क्या जो मैना है उसकी बातों का प्रभाव जो है सेनापति हे पर हुआ, जिसके कारण से वे जनरल आउटरम से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं और नाना साहब के महल को बचाने का प्रयास करते हैं, तो इस बात का जनरल आउटरम पर क्या प्रभाव होगा और क्या जो नाना साहब का महल है वो बच पाएगा, क्या जो नाना साहब की पुत्री मैना है वह अपने इस महल को बचा पाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं। तो इस प्रकार के सभी जो बातें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे भाग दो के अंतर्गत। तो आज हमने अध्ययन किया है कि किस प्रकार से जो नाना साहब की पुत्री है मैना, वह अपना परिचय देती है और सेनापति हे के हृदय में अपने प्रति एक करुणा की जो भावना है उसको जागृत करती है। तो ये आज हमने अध्ययन किया है भाग एक के अंतर्गत, और कल भाग दो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि क्या जो नाना साहब का महल है, जो मैना का घर है, वो बच पाता है या नहीं, और मैना के साथ में कैसा व्यवहार अंग्रेजों द्वारा किया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे भाग दो के अंतर्गत। इसी के साथ ही धन्यवाद।